श्रीलंका एक ऐसी कंट्री जिसकी 1990s में पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज्यादा हुआ करती थी और आज अपने समय का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है। श्रीलंका में एग्जाम्स कैंसिल करने पड़ गए पेपर की कमी की वजह से। श्रीलंका में आर्मी खड़ी है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया, सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि श्रीलंका इतने गहरे संकट में फंसा कैसे। श्रीलंका एक क्लासिक एग्जांपल है ट्विन डेफिशिएंट इकोनॉमी का। ट्विन डेफिशिएंट इकोनॉमी जहां पर सरकार की स्पेंडिंग सरकार की अर्निंग से बहुत ज्यादा कम होती है और ये गैप को फिल करने के लिए श्रीलंका ने उठाए बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे चाइनीज लोन्स। और अब श्रीलंका इन्हीं चाइनीज लोन्स को रीपे करने में कर रहा है डिफॉल्ट, जिसकी वजह से श्रीलंकन रूपी का डाउनफॉल हो रहा है। इन्फ्लेशन 25% हाई हो रही है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं दंगा करने। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप इंडिया के किसी इमीडिएट नेबर को जानते हैं जो श्रीलंका के नक्शे कदमों पर चल रहा है।